स्कूटी मेरे लिए चैलेंज है, बिकॉज मैं स्कूटी इससे पहले सिर्फ 3 बार चलाया था, जिसमें 1 बार एक्सीडेंट ही करा था, और मैं स्कूटी चला रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेल पूरे ख़त्म हो चुके हैं, मैं पिछले 10 किलोमीटर से सोच रहा हूँ तेल कहाँ पंप मिलेगा, बट मुझे पंप मिल नहीं रहा है। हेलो गाइस, उस वक्त माय न्यू ब्लॉग, कैसे हो आप लोग? आज का ब्लॉग मॉर्निंग बहुत पहले हो गया, आज का ब्लॉग बहुत ही लेट से शुरू कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ दिस, बट आई लव इट दिस स्कूटी। बट एक्चुअली क्या है, जो आज मॉर्निंग में जब से होटल से मैं चला हूँ तब से इतने ज़्यादा ट्रैफिक थे, एक्चुअली थोड़ा लेट से चल पाया, तो आज इतने ट्रैफिक थे कि मुझे ट्रैफिक से निकालते 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 काफ़ी लेट हो गया, मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, इसलिए लेट से करा। और देहरादून में मेरे 3-4 दिन ही हुए हैं रिसेंटली, तो रूट का मुझे याद नहीं रहता। मैं इसी के अब तक 3 बार आ चुका हूँ इस ट्रिप पे, बट रूट मुझे याद नहीं रहता, गूगल के थ्रू मैं आता हूँ। और देन स्कूटी मेरे लिए चैलेंज है बिकॉज मैं स्कूटी इससे पहले सिर्फ 3 बार चलाया था, जिसमें 1 बार एक्सीडेंट ही करा था छोटा सा, और इस बार जब से ट्रिप से हूँ पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ स्कूटी चला रहा हूँ, यही स्कूटी। और ये मेरे लिए चैलेंज था कि स्कूटी से मैं अब तक सिर्फ 5-6 किलोमीटर ही चला था, बट ये लॉन्ग राइड के लिए मेरा चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट करा और स्कूटी से चला। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है स्कूटी चलाने में, मेरा पूरा बदन दर्द करते रहता है पर डे, और संभाल अब तो खैर अच्छा खासा स्पीड भगा लेता हूँ, 40, 50, 60 तक आज गया हूँ, क्योंकि आज 4th डे है स्कूटी चलाते चलाते। बट आई लव इट कि मैं स्कूटी चला पा रहा हूँ इतने अच्छे से, ये जान मेरी है, बन चुकी है एक्चुअली। तेल पूरे ख़त्म हो चुके हैं, मैं पिछले 10 किलोमीटर से सोच रहा हूँ तेल कहाँ पंप मिलेगा, बट मुझे पंप मिल नहीं रहा है इस रोड पे, देखते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक्चुअली मैं वही बताया ना, ट्रैफिक में इतना बिजी ट्रैफिक था कि मैं ट्रैफिक से निकलने के चक्कर में और स्कूटी में चलने में प्रॉब्लम तो होती ही है, तो इस चक्कर में मैं पेट्रोल पंप मिस कर गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मुझे पेट्रोल भी डलवानी है। तो गाइस चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो गाइस हमने यहाँ से पीछे आकर के मुझे पेट्रोल पंप पे आना पड़ा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप मैंने मिस कर गया था, तो मैं वापस रिटर्न आकर के यहाँ पे पेट्रोल डलवा पाया हूँ, फाइनली पेट्रोल डल गया, अब टेंशन नॉट, अब फाइनली ऋषिकेश पहुँचूँगा, फिर वापस मुझे देहरादून आना है आज, तो ऋषिकेश में काम निपटाऊँगा एंड ऋषिकेश में थोड़े मस्ती होंगे, देखते हैं क्या कर पाते हैं, बिकॉज अभी थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, आई डोंट नो कि इतना ट्रैफिक क्यों था, समझ में नहीं आया यार। 10 बजे निकला था देहरादून से एंड देन मैं ट्रैफिक ख़त्म करके टोल प्लाजा क्रॉस करा हूँ लगभग 1:30 बजे, एक बज रहे थे उस वक्त, 2-3 घंटे मुझे निकलने में लग गए देहरादून से। टोल प्लाजा जो ऋषिकेश वाले रास्ते में है वहाँ तक इतने ज़्यादा भीड़ थे, उसके बाद तो थोड़ा सा कम हुआ, बट अब इस रोड पे ठीक है, ये जॉली ग्रांड तक आ गया हूँ, जॉली ग्रांड लेफ्ट में है हमारे, तो यहाँ तक इतने ज़्यादा ट्रैफिक थे, आई डोंट नो क्या आज था, पता नहीं, समझ भी नहीं आया मुझे। ऊपर से स्कूटी में अब यार 60 पे ले जा रहा हूँ, जब मैं इस ट्रिप पर आया था स्कूटी फर्स्ट डे चला रहा था 40 से ज़्यादा नहीं जा पा रहा था, अभी ओपन जगह पे, अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में तो मैं चला ही नहीं रहा था, मेरा फ्रेंड चलाता था, जिस दिन मैं अकेला आता था उस दिन ट्रैफिक में तो बहुत समस्या लग चलाता था, अभी मैं स्पीड में चला रहा हूँ, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है, पहले कॉन्फिडेंस नहीं होती थी, 40-50 चलाया स्टार्टिंग में भी, बट क्या था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, लग रहा था कहीं स्लिप ना कर जाए, ब्रेक लूँ तो स्कीड करने लगता था, तो ढेर सारी प्रॉब्लम थी। और ये जो तशरीफ़ है ना हमारा, वो बहुत दर्द करता है स्कूटी में, मुझे कंफर्ट नहीं है मेरे लिए, बट अब लगभग कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ स्कूटी पे भी, तो गाइस ठीक है, स्कूटी भी अच्छे है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है स्कूटी पे, अब
काफ़ी लोग चलाते हैं, मैं कभी नहीं चलाया। जैसे कि बताया सिर्फ 3 बार चलाया, उसमें भी एक बार ट्रेजडी फुल रहा, वो भी 3 बार में, एक बार भीमताल में एंड उससे पहले 2 बार अपने बिहार में चलाया था कोई फ्रेंड का। तो पिछले दिन आया था तो यहीं पे खाया था, क्या था वो, अरे ना मुझे याद नहीं है डिस्क का नाम, मतलब पता नहीं भूल गया, आज दिमाग पूरा हौच पौच हो रखा है इस ट्रैफिक के कारण। सुबह से अभी पेट्रोल पंप पे जब पेमेंट कर रहा था तो दिखा मेरे मिस कॉल्स मेरे फ़ोन में, टोटल 21 मिस कॉल थे, हाँ 21 मिस कॉल थे टोटल मेरे फ़ोन में। अब मुझे पता ही नहीं चला इतने ट्रैफिक में, दिमाग हौच पौच हो रखा है किसका है किसका नहीं है, मैसेज है ढेर सारे थे नोटिफिकेशन में देखा, बट मैं अब ऋषिकेश पहुँच के किसी को कॉल बैक करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा हूँ। शायद इम्पोर्टेंट भी हो किन्हीं का कॉल, मुझे समझ में नहीं आया, मैं चेक हिस्ट्री तो चेक ही नहीं कर रहा, बस देखा मिस कॉल्स में 21 मिस कॉल थे। फाइनली अब अच्छा रोड है, ट्रैफिक कम है और मैं स्कूटी चला रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुड इवनिंग गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। ये आया हुआ था IHM की तरफ घूमने के लिए मैं, तो IHM के पास में ही ये एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम बन रहा है, किसी कारण से रुका हुआ है, आई थिंक ये बनेगा तो इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होने वाला है। गाइस ये काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया था इसलिए ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ देहरादून में यहाँ पर। और IHM के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था और हम जा कर के थोड़ा सा घूम पाए, ज़्यादा अंदर कैमरा अलाउ नहीं करा गार्ड ने, तो चलो ठीक है। तो इसके बाद हम कमिंग ब्लॉग अभी जा रहे हैं, आरती है बगल में, एक बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है, तो वहाँ जा कर के आपको टेंपल के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आपको नए ब्लॉग में मिलेगा। तो गाइज़ बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।